जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, ये छोटे वाले, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। आज मैं कान्हा जी की आज्ञा लेकर, कान्हा जी की आज्ञा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो आज मैं कान्हा जी की आज्ञा लेकर थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ उनका मेकअप करने की। मुझे कान्हा जी का मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बस एक छोटी सी कोशिश है मेरी। ये जो मेरे छोटे वाले कान्हा जी, इनका मेकअप भी मैंने किया है, अभी इनका मेकअप भी थोड़ा बाकी है, लेकिन मैंने इनका मेकअप पहले शुरू किया थोड़ा सा। अब मैं मेरे बड़े वाले कान्हा जी का भी मेकअप करना चाहती हूँ। बस मैं अपने कान्हा जी से आज्ञा ले रही हूँ कि कान्हा जी आप जैसा चाहते हैं वैसा मेकअप मुझसे करवाएं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरे लड्डू गोपाल को बहुत अच्छा सुंदर उनका मेकअप करने की। अब मैं इनका मेकअप ये जो इस टाइप के एक्रिलिक कलर आते हैं इन कलर से कर रही हूँ। ये परमानेंट भी रहते हैं, अगर ज़्यादा इन्हें घिसेंगे नहीं तो नहीं निकलते, और अगर हम चाहते हैं निकालना तो थोड़े से रगड़ने पर वो निकल भी जाएंगे ये। और ऑयल पेंट से करते हैं तो वो बिल्कुल और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, लेकिन मैं एक्रिलिक कलर से ही कान्हा जी का मेकअप कर रही हूँ। अब मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी के जो होंठ हैं उनको बनाऊंगी।
ये हमारे कान्हा जी का श्रृंगार पूरा हुआ है। मैंने थोड़ी कोशिश की है कि मेरे कान्हा जी का श्रृंगार बहुत अच्छे से हो, और जैसे जैसे हमारे कान्हा जी की आज्ञा थी वैसे मैं श्रृंगार इनका करती गई। आप सभी को आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ये है मेरे कान्हा जी के मेकअप की वीडियो, और अगर इसके बाद इनकी जो श्रृंगार की वीडियो है वो जल्द ही आपको मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।